हेलो, मैं जितपाल सिंह, गवर्नमेंट अनुमान कॉलेज मानगढ़ से। बी सी और एम एस सी के अंदर टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम अपने तकरीबन डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू एक्स डेसिमल, यानी कि कन्वर्जन चल रहा था। उसने पहले तीन पॉइंट अपने ये किए थे, उसके बाद चार नंबर पॉइंट अपने किया था बाइनरी टू डेसिमल, पाँच नंबर बाइनरी टू ऑक्टल और छः नंबर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फिर सात नंबर किया था ऑक्टल टू डेसिमल, आठ नंबर ऑक्टल टू बाइनरी और नंबर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। टोटल नौ कन्वर्जन अपने कर लिए थे। और दस नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल, यानी कि हेक्साडेसिमल वाली संख्या दे रखी होगी उसको अपने डेसिमल में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल के अंदर क्या है, कोई भी संख्या आपने लिख ली ये हेक्साडेसिमल में है, इसको आपने डेसिमल में चेंज करना। तो पहले आपने पुराने याद रखने, क्या किया सबसे पहले आपने डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल में क्या किया था, पहले बाइनरी दे रखी थी उसको डेसिमल में चेंज किया, क्या तरीका यूज़ किया था। उसके बाद ऑक्टल डेसिमल में कौन सा मेथड यूज़ किया था। अब बाइनरी डेसिमल में क्या यूज़ किया था आपने, कोई भी आपकी संख्या थी उसको आपने ऐसे लिखा था। बाइनरी में क्या लिखा था, दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, यानी कि एक दो चार आठ। ऑक्टल में क्या लिखा था, आठ की पावर जीरो, आठ की पावर एक, यानी कि एक आठ चौंसठ। अब आपने क्या लिखना है हेक्साडेसिमल, तो सोलह की पावर जीरो, सोलह की पावर एक, ठीक है। बाइनरी में दो आता है, ऑक्टल में आठ आता है, हेक्साडेसिमल में क्या आता है सोलह आता है। तो सोलह की पावर जीरो हमेशा क्या होगी, एक होगी। सोलह की पावर एक क्या होगी, सोलह होगी। सोलह को और दो से गुणा करना है तो थर्टी टू, प्लस एक को एक से करना है एक, और दोनों का जोड़ना है तो थ्री। ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। एक क्वेश्चन और करके देखो, जैसे आपने दे दिया टू जीरो वन हेक्साडेसिमल में है, टू डेसिमल, यहाँ से आप कर लो टू जीरो ए कर लो, क्योंकि इसका क्या रूल होता है हेक्साडेसिमल का, जीरो से लेकर पंद्रह तक टोटल सोलह संख्या आती है, जीरो से लेकर नौ तक तो वही संख्या आती है, लेकिन जैसे आगे दस आता है उसको अपने ए मान के चलते हैं। ग्यारह को बी, बारह को सी, तेरह को डी, चौदह को ई और पंद्रह को एफ माना जाता है। अब मैंने आप लिख दिया टू जीरो ए, ये जीरो है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अपन ए का मतलब यहाँ पे क्या था, टेन है, इसको दस मान के चलना है। अब मेथड क्या है, सोलह की पावर जीरो यानी कि ए, सोलह की पावर एक यानी कि सोलह, सोलह की पावर दो यानी कि सोलह को सोलह से गुणा करना तो क्या आ जाएगा दो सौ छप्पन, ठीक है। सोलह को दो का मतलब सोलह को सोलह से गुणा करना है, और दो सौ छप्पन को क्या मेथड है, दो सौ छप्पन को दो से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा पाँच सौ बारह। सोलह को जीरो से करेंगे जीरो, अब एक को दस से करना है, एक का मतलब दस तो प्लस दस, आंसर क्या आ जाएगा पाँच सौ बाईस, फाइव टू टू। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करना, यानी कि हेक्साडेसिमल संख्या को डेसिमल में चेंज करना। ये था दस नंबर, अब है ग्यारह नंबर। ग्यारह नंबर क्या है, अब हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल संख्या दे रखी उसको अपने बाइनरी में चेंज करना है। संख्या कोई आप लिख लो इधर से बाइनरी। अब आप इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, इससे पहले आपने कौन सा कर रखा है, जैसे ऑक्टल टू बाइनरी आपने किया था उसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है। डेसिमल टू बाइनरी में तरीका अलग था, अब यहाँ पे ऑक्टल वाला मेथड यूज हो जाएगा। क्या उसमें आप क्या करते थे, वैल्यू अलग अलग लिखते थे, ये जो वैल्यू थी डेसिमल उसको अपने क्या करते थे बाइनरी में चेंज करते हैं, दो का मान वन जीरो, जीरो का मान जीरो, एक का मान एक। अब इसकी संख्या पूरी करनी, यानी कि जब हेक्साडेसिमल है तो आपको कितनी संख्या चाहिए, चार चाहिए, ऑक्टल में तीन चाहिए होती है इसमें चार चाहिए, दो जीरो अपनी तरफ से लगाए, अब ये एक जीरो है तो तीन जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, एक है तो फिर तीन जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, क्या होगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसको जो बाइनरी में चेंज कर दिया यहां पे, अब इसको एज इट इज ऊपर लिखना है, दो का मान
जीरो जीरो एक जीरो, फिर चार जीरो, फिर जीरो 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 एक, ये है हेक्स डेसिमल टू बाइनरी। ये चीज अपने ऑक्टल टू बाइनरी पे लिखी थी, उसमें तीन संख्या दिए थे, अब इसमें अपने चार संख्या दी। एक होता है हेक्स डेसिमल टू बाइनरी, आपने सीधा मेथड याद रखना बस। और जैसे मान लो आपने लिख दिया ए जीरो एफ वन, ये कर दिया उल्टा सीधा तक किया, इसको अपने बाइनरी में चेंज करना। अब इसका क्या है, आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए को जो बाइनरी में करेंगे तो क्या दस, ए का मतलब टेन, टेन का मान क्या होता है वन जीरो वन जीरो, सीधा लिख लो चाहे, अगर आपको टेबल याद है तो सीधा लिख लो, नहीं याद तो भाग दोगे दस के अंदर, जो बाइनरी आएगी वो यहाँ लिखनी है। जीरो का मान क्या आएगा जीरो 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 जीरो, चार जीरो आ जाएगी ना। एफ का मान क्या आता है पंद्रह, पंद्रह को बाइनरी में जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा वन 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 वन। चौथी संख्या है वन, वन का मान तो वन है ही, लेकिन तीन जीरो अपने साथ में लगाएंगे, ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये था 11 नंबर। अब आ जाओ 12 नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल। इससे पहले आपने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किया था, वो मेथड को ध्यान में रखना है। उसमें अपने क्या करते थे, जो वैल्यू थी वो ऑक्टल में थी, उसको अपने हेक्साडेसिमल में चेंज करते थे। अब क्या हेक्साडेसिमल में वैल्यू है, कोई वैल्यू आपके पास ऐसे है ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू है, इसको अपने ऑक्टल में करना है। ऑक्टल तो हेक्साडेसिमल में क्या करते थे, ऑक्टल का मान अपने पहले लिखते थे दो जीरो एक, इसकी वैल्यू अपने लिखते थे। लेकिन ऑक्टल के अंदर तीन संख्या ग्रुप बनता था, तीन संख्या जरूरी थी। अब हेक्साडेसिमल तो कितनी संख्या चाहिए, चार संख्या, तो वन जीरो पहले फिर जीरो फिर वन। अब इसकी चार संख्या पूरी करनी है तो दो जीरो को दर्श लगाएंगे, इसके अंदर तीन जीरो को दर्श लगाएंगे, इसके अंदर तीन जीरो को दर्श लगाएंगे। कहने का मतलब लेफ्ट साइड में जीरो आएगी, इधर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसके पीछे वाली साइड में। अब क्या करना है, इसको नीचे ले आना है, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो 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 जीरो, जीरो 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 वन, ये हो गया बाइनरी के अंदर। अब इसको अपने ऑक्टल में चेंज करना है, तो उसके लिए अपन फिर क्या करते हैं, तीन संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं, पहले चार का फिर तीन का, ठीक है। अब जीरो जीरो वन का मान वन नहीं होगा, क्योंकि दो की पावर जीरो एक होती है, फिर दो फिर चार, जीरो वाली वैल्यू कट जाएगी, दो से एक बचेगा, तो यहां तीन जीरो है तो मतलब जीरो, यहां भी तीन जीरो है मतलब जीरो, यहां पे क्या है एक, आंसर क्या हो जाएगा वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन, ठीक है। यह हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, इसमें जैसे मैंने अब दे दिया ए बी जीरो एफ, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है आपको याद होनी चाहिए, भूल जाते हो तो आपको निकाल देंगे। ए का मतलब क्या है, यहां पे ए को क्या मानेंगे टेन, बी को क्या मानेंगे इलेवन, जीरो का जीरो, एफ को क्या मानेंगे फिफ्टीन। अब ए की वैल्यू यानी कि टेन की बाइंडिंग कितनी होती है वन जीरो वन जीरो, ये टेबल आपने वो याद रखना है, इसलिए आप सीधा कर सकते हो, टेबल भूल जाते हो तो आप उसको हल करके देखोगे, टेन के अंदर ऐसे भाग दोगे, दो को भाग दोगे पांच बार जाएगा जीरो, दो को भाग दोगे दो बार जाएगा पांच में चार कटाए एक, दो को भाग दो एक में एक बार फिर जीरो, तो क्या होगा वन जीरो वन जीरो, तो अपना सही है वन जीरो वन जीरो। ये है बाइनरी के अंदर डेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज किया है। अब चेक कैसे कर सकते हो, चेक करने के लिए क्या बताया, यानी कि दो पावर जीरो एक दो चार आठ, जीरो जीरो कट गई आठ और दो दस, अपना सही आंसर, यानी कि उसी का उल्टा करो, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो, बाइनरी को डेसिमल में बदलो तो आपका रिजल्ट आएगा। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, ए की वैल्यू यानी कि टेन की वैल्यू वन जीरो वन जीरो, अब इलेवन की कितनी होगी वन जीरो वन वन, जीरो की कितनी होगी चार जीरो, यहां पे आपने लगानी है, एफ की कितनी होगी चार बार, ये टेबल याद है तो सीधा देख सकते हैं, भूल जाते हो तो क्या करोगे पंद्रह का भूल गए क्या करोगे दो का भाग दो, कितनी बार जाएगा सात बार शेष वाले एक, कितनी बार जाएगा तीन बार शेष वाले एक, कितनी बार जाएगा एक बार शेष वाले एक, आंसर क्या होगा वन 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 वन, सही है आपका।
अब आपने क्या किया है, बाइनरी में चेंज किया है। ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू को लिखेंगे जैसे अपने 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। चार संख्या थी तो अपना 16 होनी चाहिए यहाँ पे, 4 4 8 4 12 16। अब इसको क्या करना, ऑक्टल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे अपने तीन संख्या ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, एक अपने पास बच गया, तो तीन संख्या ग्रुप बनाना, 2 0 लगा देंगे। अब आंसर में क्या आएगा, 1 1 0 का मान क्या होता है 2 1 0, 1 1 का क्या होता है 5 1 0 0 का क्या होता है 4 1 का 1 1 1 1 क्या होता है 7। भूल जाते हो 1 2 4 1 2, ऐसे करोगे 1 2 1 2 4। ठीक है, 0 0 कट के बना, इसमें 4 2 4 1 7 सही अपना यहाँ पर। अब आंसर क्या होगा, 1 2 5, ये पूरा का पूरा ऊपर लिखेंगे 1 2 5 4 1 7। किस में आइए, ऑक्टल, यानी कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदला है, तो ये आंसर आएगा। अब इस चीज को आपने, मैंने दो दो बार करके दिखाया है, इस चीज को आपने दोबारा रिवीजन करनी है। अपना टोटल कितने हो गए, नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम बताए थे, कौन कौन से, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या रूल था, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 संख्या आती थी, इसका आधार इसका 10 होता है। बाइनरी में क्या था, 2 ही संख्या आती थी 0 और 1, इसलिए इसका आधार 2 होता था। ऑक्टल में क्या था, 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 संख्या आती थी, इसलिए इसका आधार 8 होता था। हेक्साडेसिमल में क्या था, 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 संख्या आती थी, इसका आधार 16 होता था। लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या था, एक रूल था 0 से लेकर 9 तक तो वही संख्या है, लेकिन 10 को हम नहीं मानेंगे, 11 को 20 तरह से करके एफ तक जाया जाएगा 15 तक। तो टोटल 4 प्रकार के आपको नंबर सिस्टम बताए थे। उसके बाद इनका कन्वर्सन था आपस में, पहले डेसिमल को लेके चले थे, फिर बाइनरी को लेके चले थे, फिर ऑक्टल को लेके चले थे, लास्ट में हेक्साडेसिमल को लेके चले थे। हर एक में 3-3 चीजें, टोटल 12 कन्वर्सन मैंने आपको कराए। इसके बाद रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में आगे से चलेंगे। थैंक यू।